नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे आईटीआई फोर्थ सेमेस्टर की, क्योंकि जिन बच्चों का 17-19 में ब्रेक रह गया था उनका एग्ज़ाम मेरे हिसाब से आपका 7 अक्टूबर का है, तो उन बच्चों के लिए मैं लगभग आपके 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आऊँ और पूरा पेपर यहीं से है। मुझे पता है आप ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते, टाइम बहुत कम है, तो आप ये 250 क्वेश्चन पढ़ के आसानी से पास हो सकते हो और यहाँ से पूरा 100% पेपर आएगा। इसके अलावा मैंने आपको लगभग 2018-19 के पेपरों का एनालिसिस करा दिया है, तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है। तो पास का जुगाड़ यही बच्चा आपका ये अंतिम अवसर है। साथ ही आपको अगर इन पेपरों की PDF फाइल चाहिए तो भी डिस्कशन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल है आपके जो पिछले ईयर के, साथ ही ये पेपर की PDF फाइल मैं आपको अवेलेबल कर दूँगा। साथ ही आप ITI CBT एग्ज़ाम के नाम से सर्च करके भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर ये PDF फाइल अवेलेबल है। तो सेमेस्टर प्रणाली वाले अदर सेमेस्टर प्रणाली के बच्चे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, आपको वर्कशीट किसी का पेपर चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर संपर्क करें, वहाँ से मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करा दूँगा। साथ ही ELU वाले बच्चे हैं, उनके भी काफ़ी कमेंट आ रहे कि सर हमें इसके चाहिए इसके चाहिए। देखो दोस्तों, अभी आपका जो पेपर आ रहा है वो ओनली CBT एग्ज़ाम का पेपर जो मार्च में हुआ था वह पेपर आ रहा है, तो मैं उन्हीं का एनालिसिस करा रहा हूँ आपको, कभी फिटर का, कभी इलेक्ट्रिशियन का, कभी वायरमैन का, कभी किसका किसका, यानी हर चीज़ आपके वर्कशॉप के इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लगभग सभी के पेपर कॉमन बना रहे हैं। साथ ही ट्रेड थ्योरी के वो अलग अलग है, तो मैं आपको अलग अलग ट्रेड के अलग अलग करा रहा हूँ। अब काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप वही क्वेश्चन रिपीट क्यों करा रहे हो। दोस्तों उसमें रीजन है, क्योंकि पेपर में वही क्वेश्चन आ रहे, अगर मैं आपको न्यू पेपर करवाऊँ और वो एग्ज़ाम में नहीं आए तो आप ही बोल दोगे कि सर आपने करवाया वो तो एक क्वेश्चन नहीं आया, बल्कि आप अपने साथियों से नोट कर सकते हो कि अब तक जो पेपर आया वो कहाँ से आया है, तो वो खुद आपको बता देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप पर आकर आप खुद डिस्कशन कीजिए कि ये पेपर रियल में कहाँ से आ रहा है, तो अपने साथियों से मिलिए और उनसे क्लियर कीजिए कि पेपर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, फिर आपको अपना आप भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब तक हमने कराया तो पूरा 90% पेपर हमारे YouTube चैनल से आए हैं, आप अपने साथियों से पूछ सकते हो। साथ ही जिन बंदों ने एग्ज़ाम दिया है वो भी अपने पेपरों का मिलान जरूर कर ले, क्योंकि जो पेपर देखा है उसको तो पता है ना कौन से क्वेश्चन आया है, तो वो जैसे ही देखेगा कि 7 तारीख 8 तारीख किस तारीख को कौन सा पेपर आया था और वहाँ पर क्या दे रहा है आंसर के में, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कितना सही है कितना गलत है। शायद दोस्तों इसके अलावा आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग आदि की हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप बोल सकते हो, उसके काफ़ी पेपरों का एनालिसिस कराया हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या इसके अलावा अभी आपके जो एग्ज़ाम हुए थे ठीक है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, वहाँ पर मैंने काफ़ी कराया था, क्योंकि काफ़ी बच्चों के बैक एग्जाम हुए थे तो वहाँ पर हमने ही पेपरों का एनालिसिस कराया था और पूरा पेपर वहीं से आ रहा है। साथ ही इसके अलावा ITI CBT एग्ज़ाम से रिगार्डिंग जैसी अपडेट आती है तो अभी हम कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ओनली पेपरों का एनालिसिस करा रहे हैं। तो प्लीज़ खुद भी करें और अपने साथियों के साथ इस लिंक को जरूर शेयर किया करो, क्योंकि आपका पेपर मुझे पता है अच्छा हो रहा है, काफ़ी बच्चों का हुआ भी है, तो आपका तो अच्छा हुआ, लेकिन अपने साथियों के साथ जरूर इस लिंक को शेयर करो तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ही बताओ, जिससे उसे भी बेचारे को एग्ज़ाम में हेल्प मिले और पास हो, क्योंकि 2017 वालों के लिए ये लास्ट अवसर बचा है, अब कोई गलती मत करना फिर पछताओगे। साथ ही मैंने लगभग आपके लिए काफ़ी पहले भी पेपरों का एनालिसिस करा रखा है। इसके अलावा आपको और हेल्प चाहिए, क्योंकि आज 5 तारीख हो चुकी है, आज काफ़ी बच्चों की WC की एग्ज़ाम होगी, तो इसके अलावा आगे भी आपके एग्ज़ाम है तो मुझे ज़रूर बताना, और रोज़ मैं ELU वाले बच्चों का एनालिसिस करा रहा हूँ। तो दोस्तों इसके अलावा देखो दोस्तों, ये पेपर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो लगभग इसमें 250 क्वेश्चन है, यानी 200 से लगभग लमसम 250 मानो, तो आप ज़रूर करके जाए इसका एनालिस और पूरा पेपर यहीं से आएगा। सेमेस्टर प्रणाली वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो कोई चूक ना करे ठीक है दोस्तों। तो देखो ये 246 क्वेश्चन है, 246 तरह का आंसर की है, तो लगभग आपके 7 मॉडल पेपर है फोर्थ सेमेस्टर के, तो ये जरूर देखे जाए। ज़्यादा नहीं, आप इनका 2-3 दिन बच रहे हैं आपके लिए, 2 दिन मानो, तो 2 दिन में आप 3 या 4 बार इसका रिवीजन करके जाओ, कन्फर्म आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने ITI ग्रुपों के साथ शेयर करो और चैनल को पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आगामी एग्जाम का जैसे रिजल्ट आए, आंसर के आए, तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। साथ ही जैसे आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो हम पेपर का एनालिसिस जरूर कराएंगे, फिर आप मिलान कर लेना का आपके कितने क्वेश्चन राइट है कितने क्वेश्चन रॉन्ग है ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आगे भी चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही
जैसे आपकी टेक्निकल भर्ती आएगी तो उसके पेपरों का हम एनालिसिस कराएंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी पेपर अवेलेबल है। उसके साथ ही इस टेलीग्राम ग्रुप पर आप देख रहे हो लगभग 300 या 350 PDF फाइल अवेलेबल है। हर ट्रेड की हम हेल्प करना चाहते हैं जितना बनता है। इसके अलावा आपको और हेल्प चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।